हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे बेस्ड ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या है पहला एग्जांपल? पहला एग्जांपल कह रहा है कि अ बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स फ्रॉम ग्राउंड विथ वेलोसिटी 50 मीटर्स पर सेकेंड। फाइंड द टाइम आफ्टर विच बॉल इज फाउंड एट हाइट 45 मीटर। सबसे पहला स्टेप, स्टेप चेंज नहीं हुए, डायग्राम बनाइए, साइन कन्वेंशन असाइन करिए, डेटा को एक जगह लिखिए, फॉर्मूला सिलेक्ट करिए और इक्वेशन को सॉल्व करिए। क्या करेंगे? सबसे पहला डायग्राम, ग्राउंड से एक बॉल को प्रोजेक्ट किया गया ऊपर की तरफ विद स्पीड 50 मीटर्स पर सेकेंड। ये बॉल ऊपर गई फिर वापस नीचे आ गई। हमें बताना है कि ग्राउंड से 45 मीटर की हाइट पर यह बॉल कितनी देर के बाद पाई जाएगी। हमें मालूम है ऐसे में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है जी। इसको आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल सकते हो। अब अगर हम बोलें कि इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू प्लस 50 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू, क्योंकि जी को मैंने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया है, डिस्प्लेसमेंट आपका 45 मीटर है, राइट? आपको बताना है कितनी देर के बाद बॉल 45 मीटर की हाइट पे पाया जाएगा। टाइम आपसे पूछा गया है, यही है ना क्वेश्चन? ध्यान से पढ़ लो क्वेश्चन को और देख लीजिए मैंने डेटा सही लिखा है या गलत लिखा है, जो पूछा गया है वही लिखा है कि कुछ और लिखा है। अब हम यहां पर एक फॉर्मूला सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, पहले साइन कन्वेंशन तो साइन ही नहीं किया, तभी तो आपको दिक्कत हुई ना। मैंने ऊपर की तरफ प्लस ले रखा है, नीचे की तरफ माइनस ले रखा है, ठीक है? ओके, अब हम फॉर्मूला सिलेक्ट करेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इम्प्लाइज 45 इज इक्वल टू 50 टी माइनस 5 स्क्वायर। दिस इंप्लाइज 5t स्क्वायर माइनस 50t प्लस 45 इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 9 इक्वल्स टू 0, ठीक है? अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। देखिए, वैसे तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के आसान, जो मैं तरीका बता रहा हूं उससे इजियर मेथड भी है, पर क्योंकि आपने अभी तक सीखा नहीं है शायद मैथ्स में, इसलिए मैं एक अल्टरनेट तरीका बता रहा हूं जो आप एक बार में सीख पाओगे। जो मैथ्स में आपको तरीका आप सीखोगे वो प्रैक्टिस करने के बाद आप उस पर अच्छे से कमांड कर लोगे, पर अभी मैं फिजिक्स में उसकी प्रैक्टिस नहीं करा सकता, इसलिए मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं। हमारे पास यही क्वेश्चन है कि टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 9 इक्वल्स टू 0, ठीक है? एक काम करो, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। a माइनस बी भी कर सकते हो, a प्लस बी भी कर सकते हो। हमें मालूम है कि, या एक काम करो, t प्लस a का होल स्क्वायर अगर आप देखो तो कैसा दिखेगा? t स्क्वायर प्लस 2at, t प्लस, काम करो t प्लस m लिख लो, t प्लस m का होल स्क्वायर, तो 2mt प्लस m स्क्वायर, ऐसा ही दिखेगा ना। अब जो m है वो कांस्टेंट है, ये जैसे 9 कांस्टेंट है, ठीक है? हमारा वेरिएबल यहां पर है और यहां पर है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, डिफिकल्ट लगेगा आप लोगों को। मैं एक काम कर रहा हूं, मैं इसको ऐसे लिखता हूं, टी स्क्वायर माइनस, क्योंकि यहां 2 था ना, तो 2 इंटू 5 इंटू टी प्लस 5 स्क्वायर, मैं ये लिख दे रहा हूं। आप बोलोगे सर 5 स्क्वायर तो नहीं, 9 है यहां पे, कोई बात नहीं, अभी के लिए 5 स्क्वायर लिख रहा है। टी स्क्वायर 10 को मैंने 2 इंटू 5 इंटू टी लिख दिया, ठीक है? क्यों? क्योंकि a प्लस बी के होल स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस 2ab आता है, और यहां पर स्क्वायर किसका लिखा? इस नंबर का लिखा। तो क्या ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है? नहीं है। यहां कितना है? 25, और यहां कितना है? सिर्फ 9। तो इसमें से अगर मैं 16 सब्ट्रैक्ट कर दूं तब वो इक्वेशन बन जाएगी,
अब सोचिए दोनों इक्वेशन में कोई फर्क है क्या? इसके लिए मैंने 16 यहां पे सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मुझे मिलेगा टी स्क्वायर या टी माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 16 इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज टी माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। इसका मतलब टी माइनस 5 इक्वल्स टू या तो 4 होगा या फिर टी माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस 4 होगा। अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा t इज इक्वल टू 9 सेकंड्स, और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा t इज इक्वल टू 1 सेकंड। तो आपके पास इसमें दो आंसर मिले, आपको t इज इक्वल टू 1 सेकंड भी हो सकता है, t इज इक्वल टू 9 सेकंड भी हो सकता है। ये दो आंसर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि बॉल ऊपर जाते वक्त भी एक बार 45 मीटर की हाइट को क्रॉस कर रहा है, नीचे आते वक्त फिर से 45 मीटर की हाइट को क्रॉस कर रहा है। मैथ्स को ये नहीं पता कि आप कौन से वाले इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे हो। क्या लिखा गया क्वेश्चन में? फाइंड द टाइम आफ्टर विच बॉल इज फाउंड एट 45 मीटर। तो बॉल दो बार 45 मीटर की हाइट पर पाया जाएगा, एक बार 1 सेकंड के बाद और एक बार 9 सेकंड के बाद। ये आपका आंसर है, तो इसके दो आंसर होंगे 1 सेकंड एंड 9 सेकंड। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है? इन द प्रीवियस क्वेश्चन फाइंड द टाइम इंटरवल फॉर विच पार्टिकल रिमेन्स अबव अ हाइट ऑफ 80 मीटर्स। मतलब क्या है? बॉल को हमने ऊपर फेंका है 50 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से, बॉल ऊपर जाके नीचे आई, हमें बताना है कि एक पर्टिकुलर 80 मीटर्स की हाइट से ऊपर बॉल कितनी देर तक रहती है, मतलब ये वाला टाइम इंटरवल बताना है। ठीक, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं पहले ये निकालता हूं कि 80 मीटर पे कब पहुंचेगा ये। तो मैंने उसके लिए बोला ऊपर की तरफ प्लस, नीचे की तरफ माइनस, तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा प्लस 50 मीटर पर सेकंड। साथ में करते जाइए फटाफट, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी, दैट इज इक्वल टू माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने कहा था जी की वैल्यू मैं 10 लूंगा। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 80 मीटर। अब मैं टाइम निकालना चाहता हूं कि कितनी देर के बाद यहां पहुंचेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने इक्वेशन यूज करी, कौन सी? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का इक्वेशन यूज किया मैंने। तो ए टी इज इक्वल टू 50 टी माइनस 5 टी स्क्वायर आएगा। इसका मतलब 5 टी स्क्वायर माइनस 50 टी प्लस 80 इक्वल टू 0। इसका मतलब टी स्क्वायर माइनस 10 टी प्लस 16 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है तो क्या लिखेंगे? दिस इंप्लाइज टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू टी प्लस 5 स्क्वायर। ये हमने जबरदस्ती लिख दिया, समझ में आ रहा है ना? ये क्योंकि मैंने, क्योंकि मैं यहां पे टी माइनस 5 का होल स्क्वायर बना रहा हूं, लेकिन यहां 25 तो था नहीं, यहां तो सिर्फ 16 है। तो 25 में से कितना सब्ट्रैक्ट करने पर 16 बनेगा? 9। सो दिस इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज टी माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज टी माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। इसका मतलब टी माइनस 5 की वैल्यू या तो 9 हो, या तो 3 होगी, या फिर टी माइनस 5 की वैल्यू माइनस 3 होगी। इसका मतलब क्या हो गया? यहां पर टी इज इक्वल टू 8 सेकेंड आ रहा है, या फिर टी इज इक्वल टू 2 सेकंड्स आ रहा है। तो दो आंसर्स मिले आपको, t इज इक्वल टू 8 सेकंड्स और t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स। इसका मतलब क्या हुआ? जब पार्टिकल ऊपर जा रहा था तो 80 मीटर पे कब पहुंचा? 2 सेकंड्स पे, और नीचे आते वक्त 8 सेकंड्स पे। तो आप खुद बताइए कितनी देर के लिए ऊपर रहा? 2 सेकंड से लेकर 8 सेकंड के बीच में ऊपर रहा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 6 सेकंड्स इज द टाइम फॉर विच पार्टिकल रिमेन्स अबव अ हाइट ऑफ 80 मीटर्स। ठीक है, ओके। तो अगला एग्जाम्पल देखते हैं। फ्रॉम द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ हाइट 80 मीटर्स अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 80 मीटर्स, वहां से एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। हमें बताना है कि मैक्सिमम हाइट कितनी तक जाएगी बॉल, मैक्सिमम हाइट अचीव बाय द बॉल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉल बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ग्राउंड तक पहुंचने
ग्राउंड पे पहुंचने से पहले बॉल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करी है, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, विथ व्हाट वेलोसिटी विल द बॉल स्ट्राइक द ग्राउंड। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप कुछ भी हो आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है। ये आपके पास एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 80 मीटर्स, इसके टॉप से एक बॉल को ऊपर फेंका गया 30 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से। ये बॉल ऊपर गई, इस तरीके से घूम के वापस ग्राउंड पे आकर गिर गई। हमें बताना है कि ये मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव करेगी और अलग अलग क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने ऊपर की तरफ प्लस और नीचे की तरफ माइनस ले लिया। ठीक है, अब मैं सॉल्व करूंगा फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट के लिए जहां मुझे मैक्सिमम हाइट निकालना है, मैं बोलूंगा इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू प्लस 30 मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो, और एक्सेलरेशन कितना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, माइनस डायरेक्शन में है, माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें मैक्सिमम हाइट निकालनी है तो उसके लिए मैं ये वाला डिस्प्लेसमेंट एस निकाल दे रहा हूँ कि यहाँ से कितना ऊपर तक डिस्प्लेस होगा। तो डिस्प्लेसमेंट अगर मैंने निकाला तो मुझे क्या मिलेगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगाया, जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू 30 स्क्वायर माइनस 20s, दिस इम्प्लाइज डिस्प्लेसमेंट आ गया आपका 45 मीटर। तो ये बॉल 45 मीटर तक डिस्प्लेस हुई ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉल बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। देखिए, ये बॉल ऊपर जाएगी 45 मीटर, फिर ऊपर से नीचे आएगी, हमें बताना है कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी। तो बहुत ही आसान है, हमें मालूम है 45 मीटर ऊपर गई है, यहां पर निकाला हमने। अच्छा, क्या ये 45 मीटर आंसर है, बिल्कुल आंसर नहीं है। ये हमें पूछा है कि मैक्सिमम हाइट कितनी है, तो मैक्सिमम हाइट की वैल्यू हो गई 45 मीटर ये प्लस 80 मीटर ये, दैट इज 125 मीटर। तो 125 मीटर तक की हाइट तक ये बॉल जाएगा। सेकंड है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल का मतलब क्या होगा, ऊपर जाने का डिस्टेंस प्लस नीचे आने का डिस्टेंस। ऊपर जाने का डिस्टेंस है कितना, 45 मीटर, प्लस नीचे आने का डिस्टेंस कितना है, 125 मीटर, दैट इज इक्वल टू 170 मीटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था सेकंड वाला, अगर आपने फर्स्ट सॉल्व कर रखा है तो। अगर फर्स्ट सॉल्व नहीं किया, सीधे सेकंड पूछा गया, तो आपको फर्स्ट सॉल्व करना ही होगा अपने मन से, खुद से सोच के। टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। देखिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, बॉल यहां पर थी, ऊपर जाके नीचे आई, किस रास्ते से आई उसे मतलब नहीं है, ये होगा आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट। दिस इज योर टोटल डिस्प्लेसमेंट, दिस इज योर टोटल डिस्प्लेसमेंट। ये टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू माइनस 80 मीटर। मतलब आप सिर्फ 80 मीटर बोलोगे तब भी चलेगा, इस साइन कन्वेंशन में माइनस 80 है, अगर नीचे की तरफ प्लस ले लोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 80। इसलिए आपको ऐसे में माइनस 80 रिपोर्ट नहीं करना होगा, 80 मीटर विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट कह रहा है, विथ व्हाट वेलोसिटी विल द बॉल स्ट्राइक द ग्राउंड। तो फिर से हम कंप्लीट मोशन के बारे में बात करते हैं। हम बोल सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू प्लस 30 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू माइनस 80 मीटर। हमें बताना है कि वेलोसिटी कितनी होगी, कितनी वेलोसिटी से ये बॉल ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 30 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट इज माइनस 80, दैट मीन्स आपको मिलेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 900 प्लस 1600, दैट इज इक्वल टू 2500, दिस इम्प्लाइज v इज इक्वल टू 50 मीटर्स पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड विद विच बॉल विल स्ट्राइक द ग्राउंड। तो इस क्वेश्चन के चारों पार्ट इतनी सी जगह में सॉल्व हो गए, बहुत ही छोटा सा मासूम सा क्वेश्चन था, कुछ इसमें घबराने वाली बात नहीं होनी चाहिए आपके लिए। तो हमारा अगला एग्जाम्पल है कि 2 seconds आफ्टर ड्रॉपिंग अ बॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वेरी हाई टावर, ड्रॉप किया है एक बॉल को, अनदर बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड्स विद वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकंड, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम 3 seconds आफ्टर ड्रॉपिंग द सेकंड बॉल। क्या हुआ है, एक टावर है जिसकी हाइट काफी ज्यादा है, इस
टावर से हम लोगों ने एक बॉल को ड्रॉप किया। इसको ड्रॉप करने के 2 सेकंड बाद, मतलब यहां पर 2 सेकंड हो चुके हैं, हमने दूसरी बॉल को नीचे की तरफ फेंका वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकंड से। ये बॉल वन है, ये बॉल टू है, और बोला गया है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉल्स, बिटवीन द टू बॉल्स 3 सेकंड्स आफ्टर ड्रॉपिंग द सेकंड बॉल। मतलब इसको ड्रॉप करने के 3 सेकंड के, नॉट ड्रॉपिंग, आफ्टर थ्रोइंग होना चाहिए, क्योंकि इसको फेंका है ना, आफ्टर थ्रोइंग द सेकंड बॉल। नीचे सेकंड बॉल को थ्रो करने के 3 सेकंड्स के बाद हमें बताना है दोनों बॉल्स के बीच में कितना डिस्टेंस होगा। तो सोचिए, फॉर बॉल वन, सबसे पहले तो नीचे की तरफ पॉजिटिव ले लेते हैं, ऊपर की तरफ नेगेटिव ले लेते हैं। बॉल वन के लिए इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलरेशन जी है, आपका जो टाइम बॉल को मिला है गिरने के लिए 2 सेकंड तो पहले ही मिल चुका है, दूसरी बॉल को ड्रॉप करने के बाद 3 सेकंड और, दैट मीन्स 5 सेकंड मिला है, और हम इसमें डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं S1 कितना होगा। इसको सॉल्व करने के लिए हमने यूज किया S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर, हमें मिलेगा S1 इज इक्वल टू 0 + ½ g × 5² दिस इम्प्लाइज S1 इज इक्वल टू 1/2 × g की वैल्यू 10 डाल दें तो 5 × 5² दैट इज 125 meters। तो बॉल वन कितना नीचे चली जाएगी, 125 meter इन द टाइम मेंशन इन द क्वेश्चन। अब अगर हम बॉल टू के बारे में बात करें, बॉल टू को गिरने के लिए कितना टाइम मिला, सिर्फ 3 सेकंड। तो बॉल टू के लिए इनिशियल वेलोसिटी तो आपकी, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में, +10 meters per second है, एक्सेलरेशन जी है, टाइम इसको सिर्फ 3 सेकंड मिला है, इसका डिस्प्लेसमेंट S2 हमें बताना है। क्या करेंगे, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो मिल जाएगा S2 इज इक्वल टू 10 × 3 + ½ × acceleration due to gravity g इज 10 × 3² दैट इज इक्वल टू 30 + 45 दैट इज इक्वल टू 75 meters। तो सेकंड बॉल कितना जाएगी, 75 meter, पहली बॉल कितना चली गई, 125 meter। दिस इंप्लाइज डिस्टेंस बिटवीन देम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू 125 - 75 दैट इज इक्वल टू 50 meters। ये आपका आंसर है। तो आप देख रहे हैं हम अलग अलग तरीके के क्वेश्चन सेम इक्वेशंस का यूज करके सही तरीके से सॉल्व कर पा रहे हैं। तो हमने बेसिक, क्या बेसिक से थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी यहां सॉल्व करके देखे। हमें थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस करने हैं इस चैप्टर में अभी, और एक और बहुत बड़ा टॉपिक है जिसका नाम है ग्राफ्स, ये भी हमें अभी पढ़ना है। ग्राफ्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्राफ के बारे में मैं कह सकता हूं, ग्राफ इज लैंग्वेज ऑफ साइंस। वैसे तो इंजीनियर्स कहा जाता है, ये फ्रेज में साइंस की जगह इंजीनियर्स यूज किया जाता है, पर आजकल ऐसा गलत हो जाएगा क्योंकि बायोलॉजी में भी ग्राफ वगैरह बहुत यूज होते हैं। तो ग्राफ इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस। अब साइंस छोड़िए, अब तो कॉमर्स वगैरह में भी ग्राफ बहुत सारे, बहुत ज्यादा यूज होता है, ग्राफ और मैथमेटिक्स बहुत यूज होती है। पर ग्राफ अगर आपको नहीं समझ में आते हैं तो फिजिक्स में बहुत परेशानी होती है, इसलिए मैं ग्राफ आपको समझाने के लिए एक पूरी अलग से क्लास लूंगा। अभी के लिए आप क्या करेंगे, इस चैप्टर में वो क्वेश्चंस जो कि ग्राफ पर बेस्ड हैं उनको आप सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। वैसे तो मैं एक लिस्ट दे दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करने हैं इस चीज की, पर फिर भी आप अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आप ऐसा फेस करते हो कि कोई क्वेश्चन बिना ग्राफ के सॉल्व नहीं होगा, तो फिर आप उस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो तब तक के लिए जब तक मैं आपको ग्राफ ना पढ़ा दूं।